नमस्कार बुलेटिन को स्वागत करुछि मिति स्मृति। देशरे कोरोना मामला बढ़ुछि, एभली परिस्थिति रे मास्क सबुठारु बड़ अस्त्र। आमे आपण मानुकु बारंबार अनुरोध करुछु मास्क पिंधंतु। न्यूज 18 आरंभ करिछि एक नुआ अभियान मास्क पहनो इंडिया। आपण शपथ करंतु जेपर्यंत महामारी अछि मुहरु मास्क काढिबे नाही। एबे खबर उपरे नजर पकाइबा। कटक एसीबी रे जोड़ी हेबाकु जाउछि नुआ अध्याय। आज इक्मो चिकित्सार शुभारंभ करिबे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। भुवनेश्वर विमान बंदरु हेलिकॉप्टर जोगे बाहरिबे नवीन। बस ग्राउंड रे अवतरण परे रिंग रोड भाया मालगोदाम थाना और तालदंडा केनाल रास्ता दे एसीबी रो कार्डियो भास्कुलर विभाग रे पहुंचिबे। इक्मो मशीन शुभारंभ कार्यक्रम परे पुणी भुवनेश्वर फेरी आसिबे। फुसफुस जनित गुरुतर कोविड रोगी इक्मो चिकित्सा पाई एसीबी मेडिकल संपूर्ण प्रस्तुत। मुख्यमंत्री गस्त पाई कमिश्नरेट पुलिस पक्षरु व्यापक बंदोबस्त करा जायछि। पृथ्वी में माने हाथ गणति एक्मो सेंटर्स अच्छे पृथ्वी सारा। भारत में भी 2020 सुधा 21 सेंटर थिला। ये कोविड समय आउ किसी गढ़ी उठी ता भितर एटा अन्यतम। एटा सरकारी स्तर रे परिचालित होबा को एक्मो भितर एटा पूर्व भारत सर्वबृहतम हम बोधुए एटा भी भारत भी बृहतम कह गले। आउ गोटे कथे एटा गोटे एक्मो यूनिट जोटि की संपूर्ण भाव में सरकार मागणा चिकित्सा देवार व्यवस्था करण आप जानते आगुरी गोटे एक्मो जो तो लोक बाहर को जाते हाथ गणती सेंटर को कलिकता कि हैदराबाद को जाते सेने एयर आंबुलांस ट्रांसपोर्ट होते जोटा भी खर्च बहु से 20-30 लाख टकर कम पड़ ना। तापर एक्मोटा को मेन्टेनान्स करा प्राय 30-40 लाख टाँग पड़ा। तेणु आम मैंने समस्ते जाचे एति की खर्च कर संबल समस्त पाखे ना। तेणु यहाँ जो फ्री ट्रिटमेंट अवेलेबिलिटी सरकार करते माननीय मुख्यमंत्री करश्चित भाव में एथे जनसाधारण उपकृत हे। तेज संपर्क में अधिक आलोचना कटक रु जोड़ी होती स्पेशल करेस्पंडेंट नवेश महांती। नवेश आउ किसी समय तो अपेक्षा वर्तमान स्थित तदारख करने क्यों क्यों वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित अच्छा। देखो सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ाकड़ी करा जाई छी एवं निजे पुलिस कमिश्नर एटा उपस्थित अछंती। या छड़ा यदि आम एंट्री कथा कहबा एंट्री रे मध्ये मेटल डिटेक्टर लागी छी। मुख्यमंत्री सह बहुत कम संख्यक हाथ गणती किसी डाक्टर बा विशेषज्ञ अछंती जो माने कि भीतर को जिबे एवं जो माने कि इक्मो मशीन बाबद मुख्यमंत्री को सम्यक धारणा देबे। बाकी अन्य मानुको कहा को भी जीवाक अनुमति ना। गोटे पटे सुरक्षा व्यवस्था रही है सुरक्षा बंदोबस्त कारण अंपटे कोविड प्रोटोकॉल जेतु रही तेणु बाकी जब आम इक्मो यूनिट कथा कह दुईट यूनिट आज उद्घाटित हो मुख्यमंत्री करकमल दुईट यूनिट जाक दुईट जाक यूनिट उद्घाटित हो गोटे यूनिट में तीनोटी मेसीन और आउ गोटे यूनिट में छटी करी मोट 9 मेसीन रही 6 मेसीन थी यूनिट अणकोविड रोगी तीनोटी इक्मो मशीन थिबा यूनिट कोविड रोगी कोविड रोगी चिकित्सा लगे। मुख्यमंत्री अल्प समय पर अर्थात पखापाखी 1.5 घंटा पर एठार आसी पहुँचे एवं पहुँचा पर 10 मिनिटर उद्घाटन कार्यक्रम रही। मुख्यमंत्री आलोचना करेंगे एससीबी जो रही उन्नतिमूलक काम चलती से नहीं आलोचना करेंगे। तेणु वर्तमान समस्त प्रकार पशु शेष हो जाए अपेक्षा रही मुख्यमंत्री आगमन को एवं मुख्यमंत्री ठीक 11:55 समय रे हेलिकॉप्टर जगे भुवनेश्वर विमानबंदर बोस ग्राउंड में टेम्परारी जो रही हेलीपैड सेठार ओल्लैबे और सीधा सड़क एठाक आसबे। आलोचना वर्तमान आम करवा सीएमसी स्वास्थ्य अधिकारी अच्छा आम सहित आलोचना करेंगे वास्तविक कि इक्मो सेवा को केमी देखते सी सर इक्मो सेवा वर्तमान आरंभ हो जाए यार सुविधा क्यों माने एवं क्यों समय पाई देखो यहाँ वर्तमान ये सेवा पाइबापी लोक मानक कालकाटा जावा पड़ूला ये जो सेवा जाओ मान्यवर मुख्यमंत्री चेष्टा पर एसीबी आज प्रथम यहाँ आम ओपन आज हम उद्घाटन जो करने को आसवर मुख्यमंत्री तेनाली जो कोविड रे जो क्रिटिकल पेशेंट जार ऑक्सीजन सैचुरेशन कम रोची किंबा वेंटिलेटर सुविधा परे जो एक्स्ट्रा चिकित्सा जो दरकार होची सेटाला एक्मो जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन जोटा
ଏଇଟାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅକ୍ସିଜେନେସନ୍ ଏଇ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଏ ସେବା ପାଇପାରିବେ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ସେବା ସାଧାରଣତଃ ଅଣ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଛଅଟି ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି, ଛଅଟି ମେସିନ୍ର ୟୁନିଟ୍ ସିଏ ବି କାମ ଲାଗିପାରିବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଓପିଡ଼ି ହେଲା, ଯେଉଁଟା କ୍ରୋନିକ୍ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପଲମୋନାରୀ ଡିଜିଜ୍, ସେ କେସ୍ରେ ଯେଉଁଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସାଚୁରେସନ୍ ଯେଉଁଠି କମ୍ ରହୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ବଢ଼ିପାରୁନି, ସେ କେସ୍ରେ ଏକମଟା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପାଦେୟ ହୋଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣିଥିଲେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର, ସିଏମ୍ସିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବାସ୍ତବିକ ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ର କାମ କେମିତି ରହିଛି, ଫଙ୍କସନ୍ କେମିତି କରିବ ଏବଂ ଏହାର ଉପାଦେୟତା କ'ଣ ରହିବ। ତେଣୁ ନିହାତି ଏବେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଭାବେ ୟୁଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଜି 9 ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ଲାଗୁଛି ଏବଂ 2 ୟୁନିଟ୍ରେ ଏହି ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ଲାଗୁଛି। କାର୍ଡ଼ିଓ ଭାସ୍କୁଲାର ୟୁନିଟ୍ ଯାହା ରହିଛି ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲର, ସେଇଠି ହିଁ ଏଇଟାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଯାଇକି ବା କଲିକତା ଯାଇକି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆନେସ୍ଥେସିଆ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇସାରିଛନ୍ତି, 30 ଦିନିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ହୁଏତ ଆଜି କି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ 9 ଯାକ ମେସିନ୍ ରହିଛି ତାହା ରୋଗୀଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିବ। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟକୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଏହି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନବେଶ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବର୍ଦ୍ଦିରେ ଲାଗିଲା ଦାଗ, ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପୋଲିସର ଘୃଣ୍ୟ ଚେହେରା। ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗ, ଖାଲି ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ବେଳର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଭାଇରାଲ। ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ପୋଲିସ ବାବୁ ହେଲେ ତାଳଚେର ଥାନାର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନୀଳମଣି ମହାନ୍ତି। ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗରେ ଏସ୍ଆଇ ନୀଳମଣିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଏସ୍ଆଇ ନୀଳମଣିଙ୍କ ଘର ତାଳଚେର କଙ୍କିଳି ଗାଁରେ। ସେନାବାହିନୀରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ସେ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଠିକାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହାଇୱେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନୀଳମଣି ହାଇୱେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଡ୍ୟୁଟି ଛାଡ଼ି ରାତି ପ୍ରାୟ 3 ବେଳେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ କବାଟ ବାଡ଼ାଇଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କବାଟ ଖୋଲିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କୌଶଳ କ୍ରମେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ କବଳରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ତାଳଚେର ଥାନା ଆମର ମଡ଼େଲ ତୁ ତୁମ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁହ ମୋ ଲୋକ ହେଡୁ କହିବି ମୋ ଗାଡି ହେଲେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି ନା। ଆପଣ 4 ରାତିରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ବାଇକରେ, କୋଉ କୋଉ ଥାନା ଆପଣଙ୍କର? ଏ ମଡ଼େଲ ଥାନା ଯୋଉଟା ମଡ଼େଲ ଥାନା ଗୁଡା କହିଲେ ଏ ତାଳଚେର ଟାଉନ ଭିତରେ ଦେଖିନ, ଏଇ ଯୋଉ ସଦର ଥାନା? ହଁ ସଦର ଯୋତାର କଣ କହିଲେ? କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଯଦି ଦବ କଥା ଦିଏ ନା ତମ କଥା, ତମେ ଯଦି ହଁ ଯଦି ମୁଁ ଆସିଛି ହେଇଥିଲି ପାଇଁ ମତେ କହିଲେ ବୋଲି କିଏ କହିଲା? ମୁଁ ବି ଜ୍ଞାନ କାହା ନାଁ କହିବି, ତମ ଖୁସି ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କେବେ, ମୋ ପୁଅ ନିୟମ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିନି। ଧୀରେ ଧୀରେ କୁହ, ଲୋକ ଶୁଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ଦିନେ ବି ଦେଖିନି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମତେ ଦେଖିଦେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ହେଲା ନା ଜାଣିଛେ, ଯଦି କହିଦିଅ ଆମେ ଯିବୁ। ଶୁଣ କଣ କଣ କହିଲେ ସେ, ମୁଁ କଣ କହିବି, କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ କିଛି ମୁଁ ତାହେଲେ ଯାଉଛି, ବସ ବସି। ଆପଣ ବେଡ଼ ଠାରେ ବସୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଚେୟାର ଠାରେ ବସୁନାହାନ୍ତି? ନା ନା ମୁଁ ଯିବି ଭାରି ନା, ମୁଁ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ହେଡ଼େ ବି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାର କିଛି ଅଂଶ ଏବଂ ଯାହା ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କର କଳା କାରନାମାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନୀଳମଣି ମହାନ୍ତି ରାତି ଅଧରେ ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ବସି ତାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଘୃଣ୍ୟ ଚେହେରା ପଦାରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ବି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନଥିଲା, ଘଟଣାକୁ ଚପାଇ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା।
किंतु पीड़िता महिला एसपी को भेटी न्याय भिक्षा करने अभियुक्त एसआई नीलमणि को गिरफ्तार तांको विरोध में तालचेर थाना रे आईपीसी 354 323 506 एवं 454 धारा रे मामला रुजु करा जाय छि। आपने 23 तारीख रात 3 बजे जम कर पुलिस आसले सब इनसे ए कबाड़ बाड़ेले घर भीतर बूट मारी कि पसले मु कहले आपन कोन माई घर भीतर पसन दि सारे आपन बटे जंदी बूट खोलन साई बाबा से घर पशु जाएंगे मो मना करनी राजी फेर हांडी सर को डाकिले राजी हेले नाई चारिटा बयालीस भारप्राप्त अधिकारी सत्यव्रत बाबू को फोन कनी से मत भगवान भाया बचाइले। संपर्क अधिक सूचना पाई अनुगुल प्रतिनिधि भिकारी महांती फोनलाइन जोड़ी होती भिकारी वर्तमान जो वीडियो वायरल होता सहित तो गोटे सामना को आसी पुलिस घूर्ण चेहरा ए पूरा घटनाक्रम के घटी देखंतु इति स्मृति आमे जदि कहिबा जे तालचेर थाना जो घटना घटिला जने पुलिस अधिकारी सब इंस्पेक्टर राति अधरे जने महिला एकुटिया थिया बेले तांको घरे पछि जो भली भाव दुष्कर्म उद्यम कले ता निश्चित भाव रे अनुगुल जिल्ला रे चर्चार विषय होईछि। तबे कथा होती जे वीडियो टी वायरल हवा पर ही घटना पर्दा को आसला तेणु वर्तमान पुलिस तदंत करुछि जे घटना टी कोउ दिन घटिथिला एवं महिला जनक जहां कहउछंती जे घटना दिन से तालचेर थाना अधिकारी को डाकी तालचेर थाना अधिकारी आसिकिरी महिला को उद्धार करते से पुलिस अधिकारी को सेठारु नहीं तेरे से मतलब प्रश्न उठी जदि तालचेर थाना अधिकारी निजे आसी तुरंत से पुलिस अधिकारी को कहीं गिरफ कले जेहेतु वीडियो वायरल हो महिला जनक निजे थाना अधिकारी को डाकी कथा कहते थाना अधिकारी निजे आसिकी महिला को उद्धार करता जदि कहते प्रश्न उठू कहीं तत्क्षणात सही समय रे सही अधिकारी को गिरफ्त करा गला नै निश्चय अधिकारी काहे कि सही समय रे गिरफ्त करा जाय करा गलानी एवं वर्तमान जेतले वीडियो टी वायरल हेउची तापरे कार्यनुष्ठान ग्रहण करा गला निश्चित भाबरे महिला जनक एसपी को गुहारी करथिले एवं एसपी को निर्देश रे तालचेर थाना अंचल रे मकदमा रुजु हेतिला एवं गतकाली विलंबित राति रे सही पुलिस अधिकारी को गिरफ्त करी कोर्ट चालान करा दैछि। तबे कथा उठुछि जे से जेतबेले हाईवे पेट्रोलिंग रे थिले से एकुटिया नथिले तांको सहित आहुरी किछि पुलिस कर्मचारी मध्ये थिले एवं गाड़ी मध्ये थिला तो से जेतेबेले सेठारे गाड़ी ती अटके कि से महिलांक घरे पछिले अन्य पुलिस कर्मचारी माने जो माने पेट्रोलिंग दायित्व रहिले से माने करूथिले कोन से माने काही कि ए अधिकारी को अटकेलेनि बा से माने काही कि तांकर उपरिष्ट अधिकारी को कहिलेनि एमिति अनेक प्रश्न उठुछि तेनो एतिरु स्पष्ट जणा पडुछि जे जेहेतु जणे विभागीय अधिकारी तेनो विभाग लुचैबा को निश्चित उद्यम करथिला एवं एसपी का हस्तक्षेप फल पुलिस अधिकारी जनक गिरफ्त होती तेज यार आहरी अधिक तदंत चली प्रकृत में कौ मान से जेहेतु हाईवे पेट्रोलिंग दायित्व दिखाई से महिला को राति साढ़े तीन टू चार मध्य कबाट बाड़ी कहीं डाकिले घूर्ण चेहरा पदार पड़ा पर पुलिस विभाग पक्ष गोटे प्रकार कार्यानुष्ठान ग्रहण कर पीड़िता महिला जिते एसपी को भेटिले न्याय भिक्षा मागिले से अभियुक्त एसआई नीलमणि को गिरफ्त कर बहुत बहुत धन्यवाद भिकारी आपण सविशेष सूचना। श्रीमंदिर ढांचारे लिंगराज सिंहद्वार होब नवकलेवर एने आज लिंगराज मंदिर परिदर्शन करी स्थिति अनुध्यान करी बीएमसी कमिश्नर और एसआई कर्तृपक्ष मंदिर विभिन्न समस्या बाबद पचारि बुझा सहित मंदिर सेवायतों आलोचना करी बीएमसी कमिश्नर कहते भक्त और सेवायतों किपरि समस्या नहब से नहीं व्यवस्था करपरी रूपा द्वार नहीं सेवायत मैंने दावी करते एएसआई कबाट तैयारी कार्य आरंभ करितिबा कमिश्नर सूचना देछन्ति। एएसआई सुपरिटेंडेंट कहिछन्ति मंदिर रे किछि अलार्मिंग स्थिति नाही नाटो मंडप किबा अन्य कोनोसी ठारे कोनोसी विपज्जनक स्थिति नाही सिंहद्वार रूपा कबाट कार्य सरिबा परे एहाकु लगा जिवो बोली एएसआई सुपरिटेंड अरुण मलिक सूचना देछन्ति। केमिति आमे जो मंदिर रे जो कंजर्वेशन काम हो रिस्टोरेशन काम हो मंदिर भितरे किपरि भाव रे प्रायोरिटाइज हबा कथा सेतिपाई आमे आसीथिलु ऑलरेडी एएसआई कबाट को नुआ कबाट तैयारी करुछंती सेवायत मानन को द्वारा
से कबाट को रूपा क्लाडिंग करिवा पाई गोटे प्रस्ताव आसी। देखु ए मंदिर भितर जहाँ भी हम ठाकुर जहाँ चाहिए एवं भक्तों सहयोग हम मेजर कंजर्वेशन का इश्यूज है वो सब हमने एड्रेस कर दिया है। हम लोग उसको कॉम्प्रिहेंसिव कंजर्वेशन प्लान बना करके काम करेंगे। अभी हम लोग दरवाजे पे काम कर रहे हैं, दरवाजा हम लोग बना रहे हैं, दरवाजा तुरंत बनते ही हम उसको लगा देंगे। देखिए वाटर सिपेज नाट मंडप का अभी ऐसा कोई अलार्मिंग इशू मुझे नहीं दिख रहा है। चार दिन की बारिश के बाद जो थी फिर भी हमने इसका जो वाटर टाइटनिंग का जो प्रोग्राम है वो बना लिया है। प्रोग्राम हैज बीन अप्रूव्ड और जल्द ही हम उस पर काम शुरू। राज्य सरकार एवं आर्कोलॉजिकल मिशिकर रूपा कवाड़ करने तेणुक निश्चित हम ए मंदिर भितर जो ठाकुर को लेकर जहाँ लिंगराज मंदिर लिंगराज शक्ति बर्तमान फाट सृष्टि फाटला से देखिकी जाइंट सुरक्षापी केमती रेलींग बारटा केमती लगे आर्कोलॉजिकल को से कथा कह आर्कोलॉजिकल से संबंध में रेलींग बारटा लगे जेहतु आ भक्त आज छुई पारे और ठाकुर सुरक्षा रे से दिग्वे आलोचना होती विभिन्न मंदिर जो पा गलुची से समस्या मध्य आलोचना होती। आगो को देखी पाओ किछे खबर वर्तमान बुलेटिन ने निजी पाई को ब्रेक ब्रेक पर स्वागत। तीनी कोटी ठके अभियोग क्राइम ब्रांच ईओडब्ल्यू द्वारा गिरफ बाबा विजयनंद चौधरी नार कारनामार गुबर एवं सामना को आसला। ठके टंकारे बाबा ओडिया सिनेमा तयारी करबा पई योजना आरंभ करथिबा कथा पूर्वरु सामना को आसीथिला। एबे नजर पकांतु सिनेमार नाम घोषणा समय दृश्य सिनेमा थिला बार हात खंडा जहाँ भंड बाबा विजयानंद निजे घोषणा करुछंती। कहानी पूजा समय रे मुख्य अतिथि भाव जोग देते पूर्वतन सांसद प्रसन्न पटसाणी। सेपटे विजयानंद आश्रम और कटक सीडीए घर उपर चढ़ाऊ कर बहु कागजपत्र जबत कर गत रविवार भंड बाबा विजयानंद को गिरफ्त करथिला ईओडब्ल्यू जड़े स्पेशल क्लास कंट्राक्टर तीन कोटी टंका ठकई करथिबा अभियोग होइछि। चलचित्र जो कहानी से कहानी आज उन्मोचन उत्सव ये कहानी नाम हूँ बारहात खंडा एवं आज समस्त ज्ञानी मानी साधु सन्त मान गहन जेकि आम को उत्साहित कर डॉक्टर प्रसन्न पाटसाणी महोदय सानिध्य खंडार उन्मोचन है ये कहानी नामकरण उन्मोचन पोखरी रे भासुचि अजणा मृतदेह। मयूरभंज जिला उदला थाना स्वप्नेश्वर मंदिर निकटने थिबा पोखरी रे एक मृतदेह भासुथिबार देखिबा को मिलिछि। आज सकाळे किछि स्थानीय लोके पोखरी रे मृतदेह भासुथिबा देखिबा परे पुलिस को खबर देथिले। पोखरी रो मृतदेह उद्धार करा जायछि तेबे मृतकक परिचय मिलि पारि नाही। पुलिस और साइंटिफिक टीम घटनास्थल रे पहुंची तदंत चलाइछन्ती। केही दुर्बृत्त हत्या करिबा परे पोखरी रे मृतदेह पिंकी देथिबा प्राथमिक तदंत रु संदेह करा जाउछि। तेरे पुलिस एने मंदिर पूजक और स्थानीय लोक पचराउचरा कर पंड हेला एटीएम लूट योजना। मयूरभंज जिला चांदुआ थाना सानदेलु छक पंजाब नेशनल बैंक एटीएम लूट पर उद्यम करुते एक लुटेरा ग्यांग गत काली विलंबित राति में पुलिस पेट्रोलिंग बेले एटीएम लुट करुथिबा बेले सूचना पाई घटनास्थल में पहुंचीला पुलिस। लूट बेले सात अभियुक्त को गोड़ाई गोड़ाई पुलिस गिरफ्त कर गिरफ अभियुक्त मध्य जड़े बिहार राज्य बेले आउ छह जन खड़गपुर सूचना मिली। राज्य में आज आउ 816 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। संगरोध 475 और स्थानीय अंचल 341 चिन्हट होती। एथसहित शून्य 18 वर्ष बयस मध्य 106 जन जमापड़ राज्य में कोरोना आक्रांतों संख्या 104,875 पहुंची। सुस्थ हेले 988,854 एवं 8,271 चिकित्साधीन अच्छा। खोर्धार 291 कटकु 116 कोरोना आक्रांत चिन्हट होता बेले बालेश्वर 46 जगत सिंहपुर 34 जाजपुर 31 केन्द्रापड़ा 29 मयूरभंज 27 पुरी 20 जन। सेपटे राज्य में आउ 69 जन जीवन नेला कोरोना। एथसह राज्य में कोरोना जनित मृत्यु संख्या 7,697 को वृद्धि पाई। कटक 38 जगत सिंहपुर 9 ढेंकानाळु 6
जाजपुर केन्द्रापड़ा मयूरभंज तीन लेखाएं आक्रांतों मृत्यु होता बेले अनुगुण नवरंगपुर दुईज प्राण हर सेपरि भद्रक केन्दुझर और पुरी जड़े लेखाएं आक्रांतों जीवन जा द्वितीय लहर तुलनारे कोरोनार तृतीय लहर बेले बढ़िब पिक अर्थात पूर्व तुलनारे एथर शीर्ष संक्रमण अधिक रहिब तृतीय लहर को देखि पार्वण पई आसिब नुआ गाइडलाइन केन्द्र सरकार पार्वण रे कटकणा जारी रखिबा पई राज्य को निर्देश देबा परे निया जाइछे निष्पत्ति कोरोना स्थिति उपरे स्वास्थ्य विभाग नजर रखिछि उचित समय रे राज्य सरकार पार्वण पई गाइडलाइन आनिबे सर्भेलांस और कंटाक्ट ट्रेसिंग जारी रहिछि द्वितीय लहर पिक बेले 10,000 उपरे संक्रमण हेउथिला आकलन अनुसार तृतीय लहर रे भी पीक बढ़ी पारे जोटा हमरो बेसिक प्रिंसिपल अछि गहली करिवे नै मास्क व्यवहार करिवे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिवे एवं समस्त जेते शीघ्र वैक्सीन नबा तें चेष्टा करिवे जेहेतु स्कूल खोलिबा को जाउती आस्ते आस्ते खोलिलानि तंगर शिक्षक मान को अग्राधिकार भित्ति रे केम जे हमें वैक्सीनेट करू तापे गाइडलाइन दिहै जे सब जिल्ला को महामारी बड़ कथा हैला गत 24 घंटा मध्य केवल केरल रे चिन्हट होइछंती 30,007 जन नुआ संक्रमित एथिसह 162 जनकर मृत्यु होइछि एथिसह केरल रे कोरोना जनित मृत्यु संख्या 20,134 रे पहुंचिछि सेहिपरि 44,658 जन आक्रांत चिन्हट पर देश में मोट आक्रांतों संख्या 3,26,3188 को वृद्धि पाइछि वर्तमान मोट आक्टिव केस रहिछि 3,44,899 समय होइछि बुलेटिन को इट रखिबा नमस्कार।